Good morning students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, I am Vandana Yadav, your maths teacher. Today I am going to start your new chapter, that is chapter number 1 in teachers. First I will explain you what are in teachers. This is an introductory video. In this video I will give you introduction about this chapter so student let's start chapter number 1 that is integers so student in this video i will try to clear all the concept of this chapter in this introductory video you will watch that how you can solve sums very easily so watch this video very carefully so let's start this chapter students the first question that arises in your mind is what is an integer integer hota kya hai this is the definition of an integer you have to write this definition in your notebook Haan, before starting this chapter i will explain you that i will give you an information that you have to make a 200 page notebook for mathematics so for first term

अ फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर मतलब होता है इज़ फ्रैक्शनल नंबर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो तो है ही एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर आर एग्जाम्पल आर माइनस फाइव वन फाइव प्लस फाइव एट नाइन्टी सेवन एंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन एंड सो वन कुछ भी हो सकता है फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव वो सारे के सारे इंटीजर के अंदर आते हैं माइनस वाले भी सारे इंटीजर्स में आते हैं और जीरो भी इंटीजर के अंदर ही इंक्लूड होता है दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग एग्जांपल्स ऑफ नंबर दैट आर नॉट इंटीजर्स इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों दैट एग्जांपल ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर जो इंटीजर नहीं है दैट आर माइनस वन पॉइंट फोर थ्री माइनस में पॉइंट वाले नंबर डेसिमल वाले नंबर या ये मिक्स नंबर मिक्स फ्रैक्शन ये ये हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जैसे फोर अपॉन टू थ्री अपॉन फोर या जैसे सपोज सेवन अपॉन टू कुछ भी अपॉन की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में जो होती है डेसीमल नंबर्स जो होते हैं दिस इज ऑल्सो एन डेसिमल नंबर जीरो पॉइंट जीरो नाइन या अंडर रूट वाले नंबर जो होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अंडरस्टूड तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर के फॉर्म में होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो और अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इंटीजर्स को जैसे कि मैं ये कहूँ कि इंटीजर्स में वो सारे नंबर आते हैं जो जीरो से लेकर पॉजिटिव के, के साइड में आते हैं सपोज जीरो है ये मैं लिखू जीरो देन वन लिखू मैं या टू ऑल टू या थ्री फोर एंड सो ऑन कितना भी ये सारे के सारे नंबर्स जितने भी होंगे वो किस में आएंगे आपके इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स इसके साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं जैसे मैंने अभी बताया सपोज नेगेटिव क्या होंगे माइनस वन हाँ माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन ये सारे के सारे नंबर्स भी क्या है किसमें आएंगे आपके इंटीजर्स में ही इंक्लूड होंगे दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर ठीक है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिनके साथ नेगेटिव का साइन लगा है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनके साथ पॉजिटिव का साइन लगा है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा दैट जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड इन इंटीजर जीरो भी इंक्लू इंटीजर्स uh, में आता है अब एक चीज़ और है कि अब आप मुझसे ये पूछेंगे मैडम ये बताइए कि विच नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो नंबर्स इंटीजर में इंक्लूड नहीं होते हैं मतलब जो इंटीजर नहीं होते हैं तो वो नंबर कौन से होते हैं जैसे अंडर रूट टू मैं बोलूँ हाँ या डेसिमल थ्री पॉइंट सिक्स बोलूँ या मैं बोलूँ फ्रैक्शन के माइनस सिक्स अपॉन फोर और फोर अपॉन सिक्स ये सारे जितने फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं, डेसिमल के फॉर्म में अंडर रूट के फॉर्म में दे आर नॉट दे आर नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन इंटीजर्स समझे आप ये इंटीजर्स में नहीं आते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हाउ टू प्लॉट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्लॉट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन सबसे पहले हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली क्या है दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ आ नंबर लाइन यू है ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ओनली तो स्केल का ही इस्तेमाल करें सपोज दिस इज़ अ नंबर लाइन ठीक है दिस इज़ अ नंबर लाइन ठीक है अब नंबर लाइन कैसी होती है सेंटर में क्या होता है सेंटर में होता है इसके ज़ीरो नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है ज़ीरो एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये कौन सी नंबर लाएंगे दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है ये और जीरो के ये राइट हैंड साइड है ठीक है अब द नंबर्स लाइक वन पॉजिटिव वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन आर आर प्लॉटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में प्लॉट किए जाते हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दिस इज़ वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन नंबर लाइन तो पता है आपको इन्फाइनइटली तक जा सकती है कितने भी नंबर के अंदर प्लॉट कर सकते हैं एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ़ द नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर प्लॉट किए जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर ठीक है इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करेंगे अब सपोज अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि देट प्लॉट प्लस टू ऑन अंबर लाइन तो बस आप यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन ये प्लस टू है एंड जस्ट पुट अ सर्कल अराउंड टू दिस इन दिस वे यू कैन प्लॉट टू ऑन अ नंबर लाइन अब सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि प्लॉट माइनस थ्री नंबर लाइन तो यू अगेन यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो माइनस थ्री इज बींग प्लॉटेड इन दिस वे यू कैन प्लॉट माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर ऑन अ नंबर लाइन नाउ स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग एंड सब्ट्रेक्टिंग ऑफ इंटीजर्स तो इसलिए हमारे पास चार बेसिक रूल हैं एडिंग एंड सप्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए हमारे पास चार बेसिक रूल्स हैं जो हमें थरो आउट याद करने करके रखने हैं जब तक हम मैथ्स करेंगे तब तक हमारे वो काम आने वाले हैं तो हमको इसे थरली बिल्कुल पढ़ना है और उसे हमें याद रखना है नाउ द फर्स्ट फोर रूल्स आर फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन फर्स्ट रूल इज प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस अगर आपके पास दो नंबर हैं उनमें से एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा हम क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा तो अगर आपके पास दो नंबर हैं एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो आपको साइन के साथ नंबर को रीड करना है इट मीन्स जो भी नंबर हो तो प्लस टू साइन के साथ रीड करो जैसे सपोज प्लस टू माइनस फोर आंसर विल बी प्लस माइनस माइनस क्या करना है हमें माइनस तो हम क्या करेंगे बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे फिर समझिए प्लस माइनस माइनस मतलब हमें माइनस करना है तो इसमें भी क्या हुआ सपोज द एग्जांपल इज प्लस टू माइनस फोर प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर में से हमें छोटे नंबर को माइनस करना है आंसर क्या आएगा टू इसमें साइन किसका लगेगा जिसमें से आपने माइनस किया है बड़े नंबर का साइन लगेगा बड़ा नंबर इसमें क्या है फोर इसमें किसका साइन है माइनस तो आंसर आएगा माइनस टू समझ में आया अब दूसरा रूल है सिमिलरली हमारा दूसरा रूल है माइनस सेकेंड वाला रूल है हमारा माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस सपोज एग्जाम्पल माइनस फोर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और मैंने अभी आपको बताया बड़े में से, बड़े में से से बड़े नंबर छोटे नंबर को माइनस करना है बड़ा नंबर इसमें किसका है फोर फोर में किसका साइन है माइनस का पहले फोर में से टू माइनस किया हमारा आंसर आया टू साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का बड़ा नंबर क्या है फोर उसमें साइन किसका है माइनस तो आंसर आएगा माइनस टू अंडर अब थर्ड रूल समझेंगे थर्ड रूल इज प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस सपोज फॉर एग्जाम्पल प्लस टू प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस 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 तो टू प्लस फोर दैट इज इक्वल टू सिक्स किसका प्लस का फोर्थ रूल इज माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस दो अगर नंबर माइनस के हैं तो वो प्लस हो जाएंगे सपोज फॉर एग्जाम्पल माइनस टू माइनस फोर दोनों नंबर किसके हैं माइनस के हैं टू है? में किसका साइन है माइनस का फोर में किसका साइन है माइनस का माइनस माइनस प्लस तो कर दो प्लस टू प्लस फोर दैट इज इक्वल टू सिक्स लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का वाई क्योंकि क्यों क्यों साइन लगेगा माइनस का हो तो प्लस पर साइन किसका का माइनस क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें फोर उसमें किसका साइन है माइनस का तो आएगा हमारा आंसर माइनस सिक्स समझ में आया एक बार फिर समझाऊं तो मुझे आप जब डाउट क्लास होंगी तो आप मुझसे अगर जो समझ में नहीं आया यू कैन मी अगेन देन इन योर डाउट क्लास ओके नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर और एडिशन ऑफ इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में मैं आपको वन बाई वन पढ़ाऊंगी सो स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सप्ट्रेक्शन ऑफ इंटीजर्स ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी उससे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे वन पॉइंट वन बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द कंसेप्ट विच आई टोल्ड यू विच आई जस्ट नाउ तो जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको कन्सेप्ट उससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज वन पॉइंट वन है तो पहले हम एक्सरसाइज वन पॉइंट वन करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू इन माई अनदर इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके सो बिफोर दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज वन पॉइंट वन टूमो So, student, this is the end of my today's video. I will meet again with the exercise 1.1 tomorrow. Up till then, goodbye and thank you. Have a nice day.